की धरोहर की कमी जो है देश में कमी जो है झलकेगी। और इतनी बड़ी गायिका रही और कल ही सरस्वती माता का पूजा रहा और आज आम लोगों के बीच नहीं है, सब खबर आ रहा है। हम अपनी पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करते हैं और ऐसी हस्तियां जो हैं सदियों सदियों में जो है आया करती हैं और उनके गाने चाहे कोई भी जनरेशन रहा हो, पुराने हों, नए हों, हम जैसे हों, सभी जनरेशन जो हैं उनके गाने को सुना करते थे और आगे भी जो हैं वो सुना करेंगे। अच्छा, इन दिनों एनडीए में क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि केंद्र के प्रधान देश पर दे बिहार पर दे ध्यान। अब हम कोई एनालिस्ट तो है नहीं एनडीए के, जो प्रतिदिन जो है एनडीए में क्या चल रहा है नहीं चल रहा उसका सभी पाबंदियां। अच्छा लगता है कि आप लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं तो क्या लगता है एनडीए को फायदा होगा? कब से शुरू होगी बेरोजगारी यात्रा? बिहार में सब कुछ खुल गया है, आज से सभी पाबंदियां खत्म हो गई है। आज अब हम लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन का बैठक होगा और हम लोगों का तो था ही कि भाई जब सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी कोरोना की और मकर संक्रांति के बाद थोड़ा मौसम भी ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद जो है हम लोग सब जगह बैठ करके, क्योंकि हम लोगों को बेरोजगारी को लेकर के जो रैली जो है वो लड़ाई जो है उसको हम लोगों को लड़ना है, करना है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। सवाल है सर, 60 लाख रोजगार देने की बात हुई इस बार जब बजट पेश हुआ है, आप भी बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब जब 60 लाख रोजगार देने की बात की है केंद्र सरकार ने, भरोसा होगा देश को, युवाओं को? देखिए, कोई बिहार में भी क्या बोला गया 19 लाख जो है रोजगार दिया जाएगा, क्या अब तक मिला? और 2014 में कहा गया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार मिला नहीं बल्कि लोगों का छीना जा रहा है। आज देखे लाठी डंडा जो है, जो बेरोजगार लोग अपने अधिकार को मांगने आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, केस मुकदमा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये एक तो बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और किसी को भी मौजूदा सरकार से, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, किसी को भी भरोसा इस मौजूदा सरकार से नहीं है। उम्मीद खो बैठे हैं लोग और कितने बार लोग ठगे जाएंगे। अब सब लोगों की असलियत जो है सामने आ चुकी है, साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार मिला नहीं बल्कि लोगों का छीना जा रहा है। आज देखे लाठी डंडा जो है, जो बेरोजगार लोग अपने अधिकार को मांगने आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, केस मुकदमा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये एक तो बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और किसी को भी मौजूदा सरकार से, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, किसी को भी भरोसा इस मौजूदा सरकार से नहीं है। उम्मीद खो बैठे हैं लोग और कितने बार लोग ठगे जाएंगे। अब सब लोगों की असलियत जो है सामने आ चुकी है। अब नौजवान जो है काफ़ी आक्रोश में है। आप बताओ, MBA किया हुआ, इंजीनियर का डिग्री लिया हुआ लड़का, आज ये स्थिति है कि चपरासी और ड्राइवर में भी भर्ती नहीं हो रही है, कहाँ से आएगा रोजगार? आप सुबह से शाम तक लोगों से मिलेंगे तो लगभग 70% लोग रोजगार मांगने आते हैं। ये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है, हर एक चीज़ को जो है प्राइवेटाइज कर रही है, चुनिंदा लोगों को जो है देश की संपत्तियों को बेच दिया जा रहा है। जहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध होते थे, अब रेलवे जैसा संस्था आज खत्म हो रहा है, बर्बाद हो गया, तो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि तो सरकार की नीयत तो फितरत नहीं है कि लोगों को जो है रोजगार हम दें। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।